प्यारे बच्चों, आज हम कवि धुंडीराज जोशी जी द्वारा लिखित कविता घर देखने जा रहे हैं। घर नाही चार भिंती, घर असते देखण्या कृती। घर नाही एक वस्तु, घर म्हणजे आनंदी वास्तु। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि घर केवल चार दीवारी नहीं होती, घर में बहुत सारी खूबसूरत बातें रहती हैं। घर कोई वस्तु नहीं है, घर तो ऐसी जगह है, ऐसी इमारत है जहाँ पर आनंद, प्यार और खुशियाँ पलती हैं। आगे कवि कहना चाहते हैं, घर नाही नुस्त्या खोल्या, घरात हव्या भावना ओल्या। घरात हवा जिव्हाळा, घर शिक्षणाची पहिली शाळा। कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ कवि ने लिखी हैं, जहाँ वे कह रहे हैं कि घर में कमरों की भीड़ ना हो तो क्या हो, तो वहाँ पर प्यार की नमी हो, अपने मन की भावना हो, क्योंकि घर ही तो बच्चों का पहला विद्यालय है। इसके आगे कवि बताते हैं कि घर नाही नुस्ता पसारा, घर नाही केवल निवारा। घराला असते कहानी, घराला असतो आपला चेहरा। कवि कहना चाहते हैं कि घर मतलब आपके सामने ऐसी जगह आती होगी जहाँ यहाँ वहाँ चीजें बिखरी हुई हैं, या जहाँ पर आप शांति से सो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, घर कोई चीजों का पसारा रखने की जगह नहीं और ना ही रात काटने की जगह है। हर घर कुछ न कुछ कहानी कहता है, हर घर एक चेहरा रखता है, अर्थात हर घर की कोई न कोई पहचान होती है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों में आगे जोशी जी कहते हैं, घर शिकवते पहायला, चालायला धावायला। घर शिकवते लढायला, दुखाचा डोंगर चढ़ायला। इस घर के पीछे वे लोग होते हैं जो हमें इस दुनिया को देखना सिखाते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं। यही नहीं, मुसीबत के समय वे हमें लड़ना भी सिखाते हैं और दुखों के पर्वत को चढ़ना भी सिखाते हैं, उसमें संभलना भी सिखाते हैं। इसके आगे कवि घर से ही कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? घराने असावे सावधान, घराने द्यावे समाधान, घराने ठेवावे काळाचे भान, जवळ करावीत नवीन मूल्ये नवीन ज्ञान। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि घर को, घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे को सावधान रखना होगा, एक दूसरे को संतुष्टि समाधान रखना सिखाना होगा। यही नहीं, घर को ध्यान रखना होगा कि समय बदल रहा है, अब घर को नई पीढ़ी के नए मूल्यों और नए ज्ञान को अपनाना होगा। आगे कवि कहते हैं, घरात आई से अपार कष्ट, आजी संगते सुंदर गोष्ट, घरात आजोबा गप्पिष्ट, आईच्या हातचे जेवण चविष्ट। इस घर में माँ का पसीना बहता है, दादी माँ जो सुंदर सुंदर कहानियां हमें बताती हैं, दादाजी की बातों में महफिल जम जाती है और हम माँ की हाथ के बने खाने को खाते हुए अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो बच्चों, क्या ऐसा ही है आपका घर? यदि नहीं, तो हम सबको मिलकर हमारे घर को ऐसा खुशनुमा प्यारा बनाना ही होगा। हैप्पी लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय।